कुमार शर्मा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सूलिया, जिला झलावाड़, राजस्थान से जेडीआई कार्यक्रम के अंतर्गत आया हूँ नेशनल अवार्ड के लिए। मुझे बहुत खुशी है, अरविंदो सोसाइटी ने पूरे राष्ट्र भर के शिक्षकों को एक मंच देने का काम किया है और इतना बड़ा नेशनल अवार्ड जो दिया जा रहा है यहाँ पर दिल्ली के अंदर, बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैंने सरकारी विद्यालय के अंदर जो नवाचार किया वह बताता हूँ। सबसे पहले मैंने देखा कि सरकारी विद्यालयों में अक्सर बच्चे नामांकन कम होने की शिकायत रहती है, तो मैंने सोचा कि सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए, ग्रामीण जनता तक पहुंचाए, इसलिए मैंने सतत अभिभावक संपर्क किया। गर्मी की जब छुट्टियां लग जाती थी तो मैंने एक दिन भी रेस्ट नहीं किया और रात्रि चौपालें भी ली, एक तरफ महिलाओं को, एक तरफ पुरुषों को बिठा करके सरकार की जितनी योजनाएं विद्यालयों में लागू है उनके बारे में उनको जानकारी दी। इसका प्रभाव ये रहा कि हमारे विद्यालय का जो नामांकन है वह 200 के अंदर था, आज 500 से ऊपर पहुंच गया है। कहीं न कहीं सरकारी योजनाओं को समझने के बाद में लोगों को यह लगा कि हम मोटी फीस जो निजी विद्यालय में दे रहे हैं ये नहीं दे करके यदि हमारे गांव के सरकारी विद्यालय में यदि हम देंगे तो निश्चित रूप से विद्यालय का बिल्कुल परिवेश बदलेगा और बच्चों के कक्षा कक्ष की व्यवस्था होगी। इसी निमित्त भामाशाहों से सहयोग लेकर के हमने कक्षा कक्ष का निर्माण भी किया। करीब 2 लाख का जो व्यवस्था हुई है भामाशाहों के थ्रू हुई है और कक्षा कक्ष की व्यवस्था सरकारी विद्यालय में बनी है। मुझे इस अरविंदो सोसाइटी का पता सोशल मीडिया के जरिए चला, फेसबुक पर जब मैंने पेज देखा तो मुझे लगा कि जब राष्ट्र भर के शिक्षक इससे जुड़ रहे हैं तो क्यों ना मैं भी मेरे नवाचारों को पूरी राष्ट्र भर के शिक्षकों के सामने रखूं और यदि वह जिस प्रकार से मैं मेहनत करके सरकारी विद्यालय की ऊंचाई तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं, यही काम यदि अन्य राज्य के शिक्षक भी करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो हमारे ग्रामीण जनता उनको सीधा सीधा फायदा मिलेगा और कम खर्च के अंदर जो सरकारी योजना है उनका लाभ आम जनता तक पहुंच पाएगा और विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। मैं पुनः HDFC बैंक का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा मंच प्रदान किया और अच्छी सुविधाएं प्रदान की शिक्षकों को अपने नवाचार करने के अंदर। मैं पुनः HDFC बैंक का और अरविंदो सोसाइटी का धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।